हेलो, आई एम डॉक्टर श्वेता और ये हमारा कंटिन्यूएशन लेक्चर है, लास्ट लेक्चर का, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर का। और हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था और आज के लेक्चर में हम स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर पढ़ेंगे और उसमें हम सिंगल मोड और मल्टी मोड दोनों को डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। द ऑप्टिकल फाइबर आर यूजुअली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग एंड द नंबर ऑफ मोड्स दैट फाइबर कैन गाइड। दे आर क्लासिफाइड एज सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। तो हम देखा जाए, हम इन तीन ही फाइबर की बात करेंगे अभी। करते हैं, हेडिंग डाल लीजिए स्टेप इंडेक्स फाइबर। स्टेप इंडेक्स क्या होता है कि जब कोर और क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो स्टेप वाइज वेरी कर रहा है, मतलब सडन चेंज हो रहा है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिफॉर्म है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिफॉर्म है, बट दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो डिफरेंस है वो एक स्टेप फॉर्म कर रहा है, चाहे 0.1 का फॉर्म करे चाहे 0.2 का करे, बट वो सडन चेंज होगा, दोनों एक दूसरे से एग्जैक्ट मैच नहीं करेंगे, तो उसको हम स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। देन द फाइबर इज नोन एज स्टेप इंडेक्स फाइबर। डेफिनेशन लिखिए। अब हम सिंगल मोड फाइबर की बात करेंगे। स्टेप इंडेक्स में भी हम किसकी बात कर रहे हैं? सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। तो सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर क्या होता है? जिसमें एक बार में एक ही वेव ट्रेवल कर सके। तो अभी फिगर देख लेंगे, ठीक है। द सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर इज शोन इन फिगर। नॉर्मली क्या होता है, इनके जो कोर डायमीटर होते हैं वो स्मॉल होते हैं। जब कोर डायमीटर स्मॉल होगा तो इसलिए एक बार में एक ही वेव ट्रैवल कर पाएगी, और क्लैडिंग का डायमीटर 70 माइक्रोमीटर के अराउंड होता है, कोर का डायमीटर 5 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर होता है, और क्लैडिंग और कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो यूनिफॉर्म होता है। साथ में जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस है डेल, वो भी स्मॉल होता है, और नाम से ही पता लग रहा है सिंगल मोड है, तो एक बार में एक ही वेव प्रोपोगेट होती है। तो सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर इज शोन इन फिगर। नेक्स्ट स्लाइड में फिगर है, एक फिगर यहाँ पे भी बना लेंगे। द डायमीटर ऑफ कोर इन सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर अप्रोक्सीमेटली 5 माइक्रोमीटर टू होता है, और क्लैडिंग का जो होता है वो 7 माइक्रोमीटर के अराउंड होता है, बल्कि 5 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर के अराउंड कोर का डायमीटर होता है और क्लैडिंग 70 टू 125 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो पर मिनिमम वाला लिख लेते हैं, मैक्सिमम इसका रेंज नहीं लिखते हैं। द डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन कोर एंड क्लैडिंग इज वेरी स्मॉल। तो जो डेल है n1 - n2/n1 वो काफी कम होता है। अकॉर्डिंग टू नेम ओनली वन सिग्नल कैन बी प्रोपोगेट थ्रू इट। सिर्फ एक ही सिग्नल एक बार में मूव कर सकता है इसके नाम के अकॉर्डिंग, इस क्योंकि जो इसका कोर का डायमीटर होता है वो कम होता है। देयर विल बी नो डिस्पर्जन, दैट इज नो डिग्रेडेशन ऑफ द सिग्नल। डायग्राम कौन कौन सा बनेगा इसमें? ये कोर है, ये क्लैडिंग है, ये N1 है, ये N2 है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल है इसका। एक कोर है जिसका डायमीटर 5 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर होता है, एक क्लैडिंग है इसका डायमीटर 7 टू 125 माइक्रोमीटर होता है। उसके अलावा ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है, इसमें एक वेव ट्रैवल करने के दिखानी है, चाहे तो वो TIR के थ्रू दिखा दीजिए, चाहे वो यहाँ से बीच में से एक सीधी लाइन जाते हुए दिखा दीजिए, ठीक
ठीक है, ये कोर है और ये क्लैडिंग है। When only one mode is propagate, then it is known as single mode strap index fiber. Characteristics of single mode strap index fiber. Single mode strap index fiber can support only one mode of propagation. नाम से ही पता है कि एक बार में एक ही डिस्टेंस एक ही वेव ट्रेवल कराएगा। ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में नॉर्मली हम यूज करते हैं, जैसे कि टेलीफोन लाइन्स। इसमें जो लाइट हम इनपुट पे डालते हैं वो थ्रू लेजर डायोड यूज करते हैं, और ये वाले जो फाइबर्स होते हैं कॉस्टली होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक फिगर और डाल रखी है जो पीछे मैंने नीचे बनाई हुई थी प्रोफाइल के लिए। ये सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर है, तो देखिए यहाँ पे कोर का डायमीटर कम है तो एक बार में एक ही वेव ट्रेवल कर पाती है। ये मल्टी मोड फाइबर है तो यहाँ पे क्या हुआ, कोर की डायमीटर इंक्रीज हो गई। यहाँ पर भी स्टेप भी फॉर्म हो रहा है क्योंकि स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड की बात कर रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पर जो कोर की डायमीटर है वो ज्यादा हो गई, तो एक बार में मोर देन वन वेव ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ पे दिखा रखा है, यहाँ पे सिर्फ एक वेव दिखा रखी है और यहाँ पे टू वेव्स ट्रैवल करके दिखा रखी है। और भी दिखा सकते हैं, मोर देन वन वेव दिखाना है, टू दिखा दीजिए, थ्री दिखा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टी मोड बना रखा है। मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, तो मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर की ये फिगर्स सामने हैं। तो यहाँ दिख रहा है कि जो कोर की डायमीटर है वो सिंगल मोड की कंपैरिजन में ज्यादा होती है। तो कितनी होती है, 50 माइक्रोमीटर टू 200 माइक्रोमीटर इस बीच में होती है, और क्लैडिंग की जो डायमीटर है वो होता है 70 माइक्रोमीटर टू 300 माइक्रोमीटर। ठीक है, नीचे यहाँ पे फिगर भी दिखा रखा है प्रोपोगेशन का, टू वेव्स ट्रेवल करके दिखा रखी है आप इसमें थ्री वेव। मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर कैन सपोर्ट मोर देन वन मोड ऑफ प्रोपोगेशन। इट हैज लार्जर कोर डायमीटर देन सिंगल मोड फाइबर। द डायमीटर ऑफ कोर इज अप्रोक्सीमेटली 50 माइक्रोमीटर टू 200 माइक्रोमीटर एंड क्लैडिंग इज 70 माइक्रोमीटर टू 300 माइक्रोमीटर। जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस होता है डेल, वो भी यहाँ ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सिंगल मोड फाइबर। और डायमीटर ऑफ कोर इज मच ग्रेटर, सो लार्ज नंबर ऑफ मोड्स कैन प्रोपोगेट थ्रू इट एट द सेम टाइम। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इसके, द मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर कैन सपोर्ट मोर देन वन मोड ऑफ प्रोपोगेशन। सेकेंड, द फाइबर इज नॉट कॉस्टली, नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सुटेबल नहीं होता, तो ऑब्वियस है शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए सुटेबल होगा। इसमें इनपुट में लाइट एंटर कराई जाती है, वो एलईडी सोर्स के थ्रू कराई जाती है। एनिमेशन में देख सकते हैं कि क्या कर रखा है, कि दिखा रखा है जैसे जैसे कोर की डायमीटर कम होती है वैसे नंबर ऑफ मोड जो है कम होते चले जाते हैं। ठीक है, तो मतलब रेडियस बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मोड्स इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन हम कितना रेडियस बढ़ा सकते हैं कि डिस्पर्जन भी कम हो। जितना ज्यादा रेडियस होगा उतने नंबर ऑफ मोड्स ज्यादा ट्रेवल करेंगे, उतना ही डिस्पर्जन ज्यादा होगा, आउटपुट में सिग्नल अलग अलग टाइम पे पहुंचेगी। अगर इनपुट पे हमने सेम टाइम पे भी डाला है तो भी आउटपुट में अलग अलग टाइम पे मिलेगा, तो डिस्टॉर्शन हो जाएगा सिग्नल में। तो कितना रेडियस रखें कि डिस्टॉर्शन कम हो और आउटपुट में हमें सिग्नल सेम टाइम पे मिल जाए, डिस्टॉर्शन कम रहे, ऑलमोस्ट सेम टाइम पे मिल जाए और नंबर ऑफ मोड्स भी ज्यादा रहे। ऐसा ना हो कि हम रेडियस कम करते चले जाएं और वो सिर्फ सिंगल मोड को सपोर्ट करे। तो वो हम डिस्क्राइब करते हैं वी पैरामीटर से या नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी से। तो आज का लेक्चर हम यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।